हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो काफ़ी अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर्स एंड मार्केटिंग कंपनी से। गाइज, आज जो मेरी रियल इस्टेट से रिलेटेड टॉपिक है वो ये है कि कुछ एजेंट होते हैं रियल इस्टेट में जो कि छोटी छोटी चीज़ों को मिस्टेक कर देते हैं और फिर 3 महीने 4 महीने रियल इस्टेट में काम करते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि अर्निंग नहीं हो रही यार, काम नहीं बन रहा है, डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो डिसकनेक्ट करने से कुछ भी नहीं होता। लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीज़न जानो कि आपसे क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है जिससे आपकी इतनी मेहनत पे भी आपका काम नहीं बन पा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको फर्स्ट बोल दूँ, ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो नए रियल इस्टेट में आए हुए हैं, अपनी लाइफ में एक गोल बनाए हुए हैं, करियर पे सक्सेस होना चाहते हैं, बट उनको गाइडनेस नहीं मिल पा रही है। तो ये वो बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना ले कि मैं वो बातें पता है जो मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो आप आगे बढ़ाइए ये सोच कर कि नहीं किसी का भला हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि कुछ चीज़ें पॉइंट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि हमसे क्या मिस्टेक्स होती है जो कि हम रियल इस्टेट में गलती कर बैठते हैं। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फाइनेंशियली की। कई लोग होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं, जो कि माइंड एकदम ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस आना, डिप्रेशन आना, टेंशन लेना, क्योंकि वो उनकी ही जवाबदारी नहीं, कई लोगों की फैमिलीज होती है जिनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है तो उनको एक टेंशन होता है। तो इस बीच आपको क्या करना चाहिए, मान लो सपोज़ आपकी कई लोगों का होता है कि अच्छा मतलब काम करते करते रियल इस्टेट में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम उनकी किसी की लक अच्छी होती है तो बहुत अच्छी अर्निंग आ जाती है, फर्स्ट बार आ गया, सेकंड बार आ गया, थर्ड बार आ गया, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, अपने आप को पूरा मतलब बदल लेते हैं कि भाई मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं अपनी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर दूँ। सो ये चीज़ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट कई लोग फ्यूचर का नहीं सोच पाते हैं और उस समय पूरे पैसे उसी समय इन्वेस्ट कर देते जो कि आगे चल के आपको दिक्कत आती है। रियल इस्टेट एक ऐसा फील्ड है जो कि आपको हर समय हर टाइम ये चीज़ आपको अर्निंग नहीं देगा, आपको इसके लिए प्लानिंग करनी होगी, आपको प्लान अपने गोल पे फोकस करना होगा कि भाई आगे चल के, मान लो एग्जांपल आपकी, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है मिनिमम कितनी होती है सैलरी, 10,000, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 10,000-15,000, ज़्यादा से ज़्यादा चलो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 30,000-35,000 रुपये। अब उस सैलरी को आप एक माइंडसेट में बैठा लेते हैं कि मेरी सैलरी तो इतनी है तो मुझे देख के खर्चा करना पड़ेगा जो कि आगे के लिए मेरे को दिक्कत ना हो। तो आपको रियल इस्टेट में भी ऐसा नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं या रियल इस्टेट में काम करना ही स्टार्ट किए हैं तो भाई मेरे पास पैसे आए तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज उसी समय पैसे पूरे ख़त्म कर दूँ। आप एक फिक्स माइंडसेट बैठाइए कि अगर मेरे पास इनकम, मान लो सपोज़ 10 लाख रुपए आपके पास आया तो उस 10 लाख को इंक्रीज कीजिए, मतलब पूरे 10 लाख आपको खर्चा नहीं करना, वो एक माइंडसेट बैठाइए कि मंथली की आपकी सैलरी के हिसाब से कितनी बनती है और मुझे उतना ही खर्चा करना है जो कि आगे चल के अगर मान लो रियल इस्टेट का मार्केट ठंडा हो गया या फिर काम नहीं चल पा रहा है या कुछ दिक्कतें आती है जो कि आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो वो चीज़ बिल्कुल भी मतलब उससे पहले ही प्लान करके चलिए कि मेरे को इतने पैसे खर्च करने, इतने मेरे को आगे के लिए रखने हैं जो कि अगर मेरा काम नहीं चला तो मैं एटलीस्ट अपनी फैमिली को इससे चला सकता हूँ। तो एक आपका माइंड सेट डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा कि चलो कोई नहीं मेरी फैमिली तो चल रही है अभी। तो रियल इस्टेट में आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे। गाइस, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को शुरू में भी बताई हूँ, पेशेंस आप जितना रखेंगे उतना आप इंक्रीज कर पाएंगे। आपका एक गोल अचीव करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको एक माइंडसेट
बनाना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें को सामना करना होगा, क्योंकि देखो अगर आगे बढ़ना है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आएगी, और उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखिए ताकि आपकी लाइफ में कोई मतलब आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से जी पाए, है ना। तो ये गलती है। दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, इसमें रिलेशनशिप मेंटेन करके ज़रूर रखिए, अपना टाइम इंक्रीज कीजिए, टाइम को एकदम सेटअप करके चलिए। कि अगर मैं एग्जांपल आपको पूछती हूँ कि आप दिन में कितने घंटे काम करते, तो आप बोलेंगे 8 घंटे, बट मैं बोलूँगी आपको कि आप 8 घंटे काम नहीं करते हैं। क्यों? उस 8 घंटे में आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके चलते हैं। आप काम करने तो निकलते बट दिमाग में एक पर्सनल लाइफ को भी एक सेट कर लेते हैं कि भाई ये एक चीज़ कैसा होगा, मैं अपने व्हाट्सएप में कुछ डाला हूँ स्टेटस वगैरह, उसमें कितने नोटिफिकेशन आए हैं, फेसबुक में कितने नोटिफिकेशन आए हैं, मैंने शेयर किया हूँ तो कितनी पोस्ट में मेरी लाइक का है। तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में आप चेक कर ही लेते हैं। अब एग्जांपल मैं बताती हूँ, व्हाट्सएप में अगर आपके पास आ जाए कि एक जोक ही आ जाए या नॉर्मली कोई अच्छा विचार आ जाए, तो आप उसको देखने में टाइम लगा देते, जो कि आपका 10 मिनट 15 मिनट कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप मुझे बताइए कि आप 8 घंटे कहाँ काम कर रहे है ना। तो बिल्कुल टाइम को सेट कीजिए। अगर आप फोकस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू आप अपने टाइम की कीजिए कि मेरे को अगर काम करना है तो मैं बिल्कुल भी फोकस, अगर मैं काम पे लगाया हूँ तो 100% सिर्फ काम को दूंगा, चाहे वो 2 घंटा हो चाहे वो 3 घंटे हो, ओनली फोकस सिर्फ काम। सेकंड, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, रिलेशनशिप मेंटेन जरूर कीजिए, इसके लिए भी आपको टाइम निकालना हो, क्योंकि देखिए आपका जो बिजनेस है रिलेशनशिप से ही बहुत आगे बढ़ेगा। आपकी अगर कोई बिल्डर से अच्छी पहचान है, या आपके फ्रेंड सर्कल है काफ़ी अच्छी उनकी पहचान है, या कोई जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं वहाँ के एजेंट की पकड़ बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ में टाइम दीजिए, उनके साथ मिलिए, उनके साथ अच्छी बातें कीजिए। इसके लिए भी ये चीज़ भी आप श्योरली अपना टाइम निकालिए कि नहीं, अगर मैं इधर ध्यान दूंगा तो खुल के 100% मैं 1 घंटा बोलो तो 1 घंटा इसमें टाइम दूंगा। सो देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी, और आप अपने काम पे बहुत फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बिल्कुल बेटर तरीके से कर पाएंगे। आप जो सोचे रहेंगे वो आपका कैसे जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग, बट जब आप अपनी लाइफ में इसको मेंटेन कर लेंगे और काम को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, तो आपके अंदर खुद बदलाव आएगा और ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ में फोकस करो, और थोड़ा सा क्या है, एक्चुअल में होता है सोशल मीडिया वगैरह में भी काम वगैरह, मैंने बताया टाइम और फाइनेंशियल ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ को फोकस करो, आपकी लाइफ में खुद चेंज आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और आप अपने काम पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं आई होगी, अगर मैं कुछ गलत ऐसा बोल देती होगी या आपको लगता है कि मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए। देखिए सीखना बुरी बात नहीं है, अगर कोई मुझे सिखा रहा है या मुझे कुछ बता रहा है कि नहीं आप में ये कमी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो मेरे अंदर की कमी निकाला, तो मैं उस चीज़ को अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ कि अगले ने मुझे ये चीज़ बोला है तो मुझे अपने अंदर बदलाव लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि अगला भी ऐसे ही नहीं बोला, अगर कुछ देख रहा होगा तब तो बोला होगा। तो अगर सीखने को मिल रहा है तो बिल्कुल उसको कैच कीजिए और सीखिए। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी क्या है, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, सो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और भी आपको जानकारी वगैरह भी धीरे धीरे देते जाऊंगी मैं, आज दशहरा था तो मैंने सोचा कि चलिए आपको दशहरा की शुभकामनाएँ भी दे दूँ और कुछ जानकारियाँ भी दे दूँ। तो बिल्कुल अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।